नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियाँ जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। बेहतर मॉनसून को देखते हुए सभी खरीफ फसलों की बुवाई में इस बार बढ़ोतरी हुई है और सभी खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा भी इस साल बढ़ा है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। खेती की भाषा में जितने बड़े क्षेत्र में फसल की बुवाई या रोपाई होती है उसे रकबा कहा जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि फसल सत्र 2020-21 में 315.63 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की गई है। इससे पिछले साल के मुकाबले ये 161.11 लाख हेक्टेयर या 104.25% ज्यादा है। बेहतर मॉनसून के कारण चालू खरीफ सीजन में फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई है। सभी प्रकार के खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले 104% बढ़ा है। तिलहन फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले 525% बढ़ा, दलहन फसलों का रकबा करीब 222% बढ़ा और प्रमुख खरीफ फसल धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले 35% बढ़ा है। इस साल अब तक धान की रोपाई 37.71 लाख हेक्टेयर में हुई है। ये पिछले साल के मुकाबले 9.35 लाख हेक्टेयर या करीब 35% ज्यादा है। दलहन का रकबा 13.37 लाख हेक्टेयर या 221.72% बढ़कर 18.48 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। तुअर दाल का रकबा पिछले साल के मुकाबले 8.04 लाख हेक्टेयर बढ़कर 9.97 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। उड़द दाल का रकबा बढ़कर 2.75 लाख हेक्टेयर पर और मूंग दाल का रकबा बढ़कर 5.30 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। मक्के का रकबा 96% बढ़कर 47.96 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा। इस बीच मोटे अनाजों का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 96% बढ़कर 47.96 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पोल्ट्री उद्योग के तबाह होने की वजह से इस साल किसानों को मक्के की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई। इसके बावजूद मक्के की बुवाई में उनकी रुचि नहीं घटी। मक्के का रकबा दोगुना होकर 31.27 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। सोयाबीन के रकबे में 2278.57% की बढ़ोतरी हुई है। तिलहन का रकबा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 69.99 लाख हेक्टेयर या 525% बढ़कर 83.31 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। मूंगफली का रकबा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8.63 लाख हेक्टेयर बढ़कर 18.45 लाख हेक्टेयर हो गया। इस बीच सोयाबीन का रकबा पिछले साल की समान अवधि के 2.66 लाख हेक्टेयर के मुकाबले बढ़कर 63.26 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। इस तरह सोयाबीन के रकबे में 60.61 लाख हेक्टेयर या 2278.57% की बढ़ोतरी हुई है। कॉटन का रकबा बढ़कर 71.69 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 44.61 लाख हेक्टेयर या 164.73% ज्यादा है। गन्ने की रोपाई करीब 49.69 लाख हेक्टेयर में की गई है। पिछले साल की समान अवधि में 49.03 लाख हेक्टेयर में गन्ने की रोपाई की गई थी। जूट और मेस्टा की बुआई करीब 5.88 लाख हेक्टेयर में की गई है। पिछले साल की समान अवधि में ये बुआई 6.66 लाख हेक्टेयर में हुई थी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा।
प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बीते 50 सालों से ये खेत अंगूर की खेती के लिए मशहूर है। आसपास के इलाके के सैकड़ों हजारों किसानों ने इन्हीं खेतों को अपनी पाठशाला बनाया। यहीं से अंगूर की खेती का कहरा सीखा और आज न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में इस इलाके को अंगूर के बेहतरीन उत्पादकों में शुमार करवा दिया। पूरी दुनिया में चीन अंगूर के उत्पादन में सबसे आगे है। चीन के बाद इटली, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, टर्की, चिली, अर्जेंटीना और ईरान का नंबर आता है। इस फहरिस्त में भारत को शामिल होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन भारत बड़ी तेजी से अंगूर के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। एक आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2001 से 2 में अंगूर का उत्पादन 47.5 हजार हेक्टेयर में होता था। वही साल 2010 से 11 में यही आंकड़ा बढ़कर दुगने से ज्यादा यानी 111.4 हजार हेक्टेयर में हो गया। वही उत्पादन को देखें तो साल 2001 से 2 में 1184 हजार टन था, जो 2010 से 11 में बढ़कर 1235 हजार टन हो गया। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में अंगूर की खेती होती है और इन राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में भी सोलापुर और नासिक सबसे आगे है। उसके बाद नंबर आता है सांगली का। और जब सांगली की बात आती है तो इस इलाके में नाम आता है सुभाष दत्तात्रेय का। जी हाँ, जिन अंगूर के खेत को आप देख रहे हैं वो सुभाष दत्तात्रेय के खेत हैं। इन्हीं की मेहनत का नतीजा है यहाँ का अंगूर 7 समंदर पार अपनी मिठास घोल रहा है। कठिन परिश्रम के बाद कामयाबी की मिठास की ये कहानी 1962 से शुरू होती है। इन खेतों में अंगूर नहीं होता था, लेकिन अंगूर के अलावा यहाँ के किसान इन खेतों में सब कुछ उगाते थे, हार तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन बात जब मुनाफे की आती तो माथे पर हाथ रखकर पूरे साल की मेहनत को कोसने की नौबत आ जाती थी। सुभाष दत्तात्रेय उन दिनों युवा थे, खेतों से नाता था लेकिन खेती की समझ नहीं थी। पिता के साथ खेतों पर आना, हाथ बटाना, बस इतना ही सरोकार था इन खेतों से। लेकिन आने वाले वक्त में इन खेतों की तस्वीर और तकदीर बदलने की जिम्मेदारी सुभाष के कंधों पर ही आने वाली है, ये तो सुभाष दत्तात्रेय ने भी नहीं सोचा था। वक्त अपनी पटकथा लिख चुका था। सुभाष की शिक्षा दीक्षा खेती में ही हुई। सुभाष दत्तात्रेय ने कृषि में ही स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ली। सुभाष चाहते तो MSc के बाद अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इन खेतों के मुकद्दर में कामयाबी सुभाष के हाथों ही लिखी थी। और पढ़ाई के बाद सुभाष अपने गांव लौट आए। सुभाष ने फैसला किया कि वो खेती ही करेंगे। हाथ कंगन को आरसी किया, पिता और परिवार ने भी विरोध नहीं किया। उन्हें भी मालूम था कि अच्छा जौहरी मिल जाए तो मिट्टी से हीरे खोद ही लाएगा। बचपन से ही सुभाष के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। अच्छी नेतृत्व क्षमता की वजह से आसपास के लोग उनकी बातों को ना सिर्फ गौर से सुनते बल्कि उस पर अमल भी करते। सुभाष दत्तात्रेय ने
गांव लौटते ही बड़ा फैसला लिया। बीते कई सालों से पारंपरिक खेती के फायदे और नुकसान का गुणा भाग सुभाष के दिमाग में ही था, लिहाजा सुभाष ने गांव वालों के साथ मिलकर फैसला किया कि इन खेतों से पारंपरिक खेती को अलविदा कह दिया जाए। गांव वालों ने सुभाष की बातों पर हामी तो भर दी, लेकिन सवाल था कि पारंपरिक खेती को अलविदा कहने के बाद खेतों में क्या उगाया जाए। उस समय नासिक और सोलापुर में अंगूर की खेती का चलन बढ़ रहा था। सुभाष ने फैसला किया कि इन खेतों में वो लोग भी अंगूर की खेती करेंगे। बड़ी ही मुश्किल होती है अंगूर की खेती। जमीन में बीज बोकर फसल काटने वाली परंपरा से अलग अंगूर की खेती किसान को दिमागी तौर पर निचोड़ लेती है। मेहनत के साथ साथ तकनीक और तकनीक के साथ साथ बीमारी के खतरे इस खेती को दूसरी फसलों की तुलना में बेहद संवेदनशील बना देते हैं। ये बात सांगली के किसानों को मालूम थी, लेकिन सुभाष दत्तात्रेय को अपने आप पर भरोसा था। खेती की पढ़ाई करके लौटे सुभाष दत्तात्रेय को मालूम था कि जो फसल जितनी मेहनत मांगेगी मुनाफा भी उतना ही देगी। सुभाष ने सबसे पहले नासिक के उन किसानों से संपर्क किया जो अंगूर की खेती कर रहे थे। उनके खेती के तरीकों को समझा, चुनौतियों को जाना और फिर सांगली में अंगूर की खेती का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अंगूर संसार के उपोष्ण कटिबंध के फलों में बड़ा ही खास महत्व रखता है। हमारे देश में 620 ईसा पूर्व ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अंगूर की व्यावसायिक खेती शुरू हो गई थी, लेकिन बीते 6 दशकों में अंगूर की खेती ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अंगूर की जड़ें काफी मजबूत होती हैं और ये रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल का निकास अच्छा होता है वहां सफलतापूर्वक उगाया जाता है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और लंबी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु अनुकूल मानी जाती है। अंगूर की खेती का प्रवर्धन कलम के जरिए होता है। शुरुआत में हर नई खेती की तरह अंगूर ने भी परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे हाथ रमा हो गए। खेतों ने अंगूर के पौधे को अपना लिया और देखते ही देखते इन बेलों में फल लदने लगे। गांव वालों का साथ और सुभाष दत्तात्रेय का विश्वास काम कर गया। शुरुआत में खेती खर्चीली थी, लेकिन सरकार और संस्थाओं के साथ ने इस खेती को किफायती बनाना शुरू कर दिया। तकनीक ने खेती के खर्चे कम ही नहीं किए बल्कि क्वालिटी को भी बढ़ाया। पहले जो अंगूर आसपास के स्थानीय बाजारों में जाता था, अब वही अंगूर दुनिया के दूसरे बाजारों में जा रहा है। सुभाष दत्तात्रेय अंगूर के एक्सपर्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया में एक्सपर्ट के जो मानदंड तय हैं, उन मानदंडों पर सांगली के खेतों का अंगूर खरा उतर रहा है। जाहिर है विदेश के बाजार में अंगूर ऊंची कीमत ले रहा है और किसानों को चौगुना फायदा दे रहा है। अंगूर के इस बागान में ग्राफ्टिंग एक खर्चीला और सावधानी बरतने वाला काम है। एक बार अंगूर के पौधे को लगा देने के बाद उस पर ग्राफ्टिंग के जरिए किसान किस्मों को बदलता रहता है। ये देखिए, ये शख्स कितनी सावधानी से अंगूर की नई फसल की ग्राफ्टिंग कर रहा है। अंगूर की खेती में ग्राफ्टिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन टहनियों से कलमें ली जा रही हैं, उसमें 4 से 6 गांठ हों और उसकी लंबाई 25 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कलम बनाते समय कलम के नीचे का कट गांठ के ठीक नीचे होना चाहिए और ऊपर का कट थोड़ा तिरछा होना चाहिए। अंगूर के खेत में उनकी बेल को साधने के लिए कई तरह की पद्धतियों को अपनाया जाता है, जैसे पंडाल विधि, बाबर विधि, टेलीफोन विधि, निफिन और हेड विधि। लेकिन व्यावसायिक अंगूर की खेती में पंडाल विधि को ज्यादातर किसान अपनाते हैं। पंडाल विधि में 2 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर
कंक्रीट के खंभों के सहारे लगी तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। दरअसल अंगूर की खेती में अच्छे उत्पादन की उनकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग यानी काट छांट बेहद जरूरी है। बेल जब सुसुप्ता अवस्था में होती है तो उनकी कटाई कर दी जाती है। नई पत्तियां फूटने से पहले कटाई बेहद जरूरी है। अमूमन किसान जनवरी के महीने में अंगूर की कटाई करता है। सुभाष दत्तात्रेय ने अपने खेतों में रेड ग्लोब किस्म को उगाया है। इस किस्म की बड़ी मांग है और इसकी वजह है इसका मेडिसिनल महत्व। सुभाष दत्तात्रेय के पिता किसान थे। सुभाष खुद किसान हैं और आने वाली नई पीढ़ी भी सुभाष दत्तात्रेय के कदमों का अनुसरण करने को तैयार खड़ी है। दो बेटों के पिता हैं सुभाष दत्तात्रेय। बड़ा बेटा आईटी में है और छोटा बेटा एग्रीकल्चर में। किसानों के लिए खेती करना और फसल को बाजार तक पहुंचाकर उसकी सही कीमत लेना बड़ी चुनौती है। हर साल ये सुनने में आता है कि कीमत ना मिलने पर किसान अपनी फसल को सड़क पर फेंक देता है या फिर खेतों में ही बुआई करके दबा देता है। ऐसा अंगूर में भी होता है। अधिक उत्पादन होने पर कभी कभी किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती, लेकिन सुभाष के पास इसका पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग मॉडल है। अगर फसल सही कीमत नहीं देती तो सुभाष अंगूर को किशमिश में बदल देते हैं। और ये देखिए कैसे अंगूरों को रेक में सुखाकर किशमिश बनाई जा रही है। दरअसल किशमिश बनाने के लिए ऐसी किस्मों का चयन किया जाता है जिसमें कम से कम 20% मिठास हो। किशमिश बनाने की 3 विधियां होती हैं। पहली प्राकृतिक, दूसरी गंधक विधि और तीसरी कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में अंगूर के गुच्छों को तोड़ने के बाद ट्रे में सुखा दिया जाता है। उसके बाद तेज धूप में अंगूरों को 6-7 दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद फिर उसे छायादार स्थान में रख दिया जाता है ताकि किशमिश मुलायम रहे और उसका रंग भी ना उड़े। ये बेहद जरूरी है कि किशमिश में तकरीबन 15% तक की नमी बनी रहे। दूसरी विधि है गंधक विधि। इस विधि से बनाई गई किशमिश का रंग बिल्कुल भी नहीं उड़ता। और तीसरी विधि से किशमिश बनाने के लिए माइक्रोवेव किरणों का इस्तेमाल किया जाता है और उनसे अंगूर को सुखाया जाता है। इस विधि में अंगूर का पानी भाप बनकर तुरंत उड़ जाता है और किशमिश की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है। कामयाबी की ये कहानी अभी शुरू हुई है, इसे काफी लंबा जाना है। आसपास के किसानों के जीवन में जो थोड़े बदलाव हैं उन्हें काफी दूर तक ले जाना है, यही सुभाष दत्तात्रेय का उद्देश्य है। और वो अपने जीते जी अपने खेतों से जुड़े किसानों न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कामयाब होता देखना चाहते हैं। इसी छोटे से सपने में उनकी बड़ी सी नायकी छिपी है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। केंद्र सरकार ने पके छिले नारियल के लिए 2020 सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2700 रुपए घोषित किया है। इस प्रकार 2019 सीजन के प्रति क्विंटल 2571 रुपए से 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी एमएसपी पर की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में हर स्तर पर सभी तरह की उपज के किसानों व संबंधित वर्गों के हितों को सर्वोपरि रखा है। पके छिले नारियल के न्यूनतम समर्थन भाव में वृद्धि से ताजा नारियल का प्रापण सुगम होगा, साथ ही लाखों लघु नारियल किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि नारियल लघु किसानों की फसल होने के नाते किसानों के स्तर पर एकत्रीकरण और खोपरा बनाने के लिए व्यवस्था करना आम बात नहीं है। यद्यपि पेशेंट खोपरा का न्यूनतम समर्थन भाव 2020 फसल मौसम के लिए 9,960 रुपए प्रति क्विंटल है, फिर भी छिले नारियल के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन भाव की घोषणा से लघु किसानों को तुरंत नकद मिलना सुनिश्चित हो जाता है, जो उत्पादों को अपने पास रखने में असमर्थ हैं और जिनके पास खोपरा बनाने के लिए अपर्याप्त सुविधा होती है। कोविड-19 महामारी के संकट के दौर में न्यूनतम समर्थन भाव में बढ़ोतरी नारियल किसानों के लिए राहत पहुंचाएगी। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।